केन्द्रनी सत्ता पर नरेन्द्र मोदी और भाजपने उथलावा विपक्षों ने एक करवा 23 जूने पटना में विपक्षी दलों की महत्वनी बैठक योजावानी छे। बिहार की राजधानी पटना में योजनारी विपक्षी दलों की बैठक में 2024 लोकसभा चूंटणी में भाजप ने घेरवा और संयुक्त रीते चूंटणी लड़वा रणनीति तैयार करवामां आवशे। बैठक में शामिल थवा नेताओं गुरुवार थी ज पटना में आगमन शुरू थई गयु। बैठक में आरएलडी ना वडा जयंत सिंह पण शामिल थवाना हता, परंतु पारिवारिक कार्यक्रम ना कारणे तेओ बैठक में शामिल थई शक्या नहीं। जयंत चौधरी नीतीश कुमार ने बैठक की सफलता माटे शुभकामना पाठवी छे। आ बैठक में कया कया शामिल थनारा विपक्षी नेताओं नाम पर नजर करिए तो जेडीयू तरफ थी नीतीश कुमार, आरजेडी तरफ थी तेजस्वी यादव, कांग्रेस तरफ थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी तरफ थी ममता बेनर्जी और अभिषेक बेनर्जी, एनसीपी तरफ थी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी तरफ थी उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी तरफ थी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, समाजवादी पार्टी तरफ थी अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ थी हेमंत सोरेन, डीएमके तरफ थी एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ थी उमर अब्दुल्ला, पीडीपी तरफ थी महबूबा मुफ्ती, सीपीआई तरफ थी डी राजा, सीपीआईएम तरफ थी सीताराम येचुरी बैठक में जोड़ाशे। जनता दल यू और इसके सभी नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि विपक्ष के एजेंडे में प्रधानमंत्री का पद कोई अड़चन नहीं। भाजपे विपक्ष ना अशंभु मेड़ा पर आकरा प्रहार कर्या अने कहूं कि तेओनो कोई पण एजेंडा नथी। पटना में जो भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित है वो अनोखा प्रयोग करते हुए अपनी अपनी विरोधाभासी बातों को दूर रखते हुए प्रयास कर रहे हैं एक होने का, परंतु सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिरकार क्या है। कोई कहता है कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर चर्चा होनी चाहिए, कोई बंगाल से कहता है टर्म्स एंड कंडीशन लगा के कि यदि लेफ्ट के साथ दोस्ती करोगे तो हमारे साथ कट्टी कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई 80 हराओ कहकर बाकी के लिए नो एंट्री कर देता है। तो इस प्रकार से इनका एजेंडा वैसे कोई मोदी हटाओ का नहीं, बल्कि लग रहा है साफ साफ कांग्रेस घटाओ का एजेंडा है। आ बैठक में आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी ए शामिल थवानो इनकार कर्यो छे। वर्ष 2019 में चंद्रबाबू की आगेवानी में टीडीपी ए भाजपनी विरुद्ध चूंटणी लड़ी हती। विपक्ष की आ बैठक में घणा एवा पण पक्षो छे के जे चूंटणी में एक बीजा सामे मैदान में होय छे, त्यारे सवाल ए थाय छे के शुं संघ काशीए पहोंचशे खरो। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। शिवसेना यूटीबी नेता संजय राउते भाजप पर बदलानी राजनीति नो आरोप लगाव्यो छे। राउते कह्युं छे के महाराष्ट्र सरकारे उद्धव नी सुरक्षा ओछी करी नाखी छे। उद्धव जूथना शिवसेना नेता संजय राउते कह्युं छे के ते ईडीना दरोड़ा विषे होय के उद्धव परिवार नी सुरक्षा घटाड़वानी होय, आ तमाम कार्यवाही शासक पक्ष द्वारा मात्र राजकीय बदलानी भावना थी करवामां आवी रही छे। राउते कह्युं के भाजप वधुमां वधु शुं करी शके, તેઓ અમને ગોળી મારી શકે અથવા તો જેલમાં ધકેલી શકે। રાજનીતિક હૈ, રાજનીતિક બદલે કે ભાવને સે સબ કુછ હો રહા હૈ, ચાહે ઈડી કી રેડ્સ હો, કેન્દ્રીય જાંચ એજન્સી કી રેડ્સ હો, ચાહે સિક્યુરિટી કમ કરના હો, લેકિન યે કર્મો કા ફળ ઉનકો જરૂર મિલેગા। ક્યા કરોગે આધા સે જ્યાદા, હમારે પર ગોલિયાં ચલાઓગે ઓર ક્યા કરોગે, હમે જેલ મે ડાલોગે ઓર ક્યા કરોગે। ઉદ્ધવની સુરક્ષા ઘટાડવાના આરોપો અંગે મહારાષ્ટ્રના મંત્રી દીપક કેસરકરે કહ્યું છે કે સંજય રાઉત અને આદિત્ય ઠાકરે જૂઠું ન બોલવું જોઈએ। કેસરકરે આરોપ મૂક્યો કે ઉદ્ધવ ઠાકરે ભાજપ સાથે ફરી જોડાણ કરવાના હતા, પરંતુ તે માટે તેમણે સીએમ પદની શરત મૂકી હતી। આપની એક હી કન્ડિશન થી કે 5 સાલ તક મેં મુખ્યમંત્રી બનતા રહું, ઇસે હમ મરાઠી મેં લાચારી બોલતે, તો યે લાચારી નહીં હોની ચાહીએ મહારાષ્ટ્ર કે ભૂમિ મેં, ऐसे हमें लगता है। और इसीलिए सब लोगों की मांग थी कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ छोड़ दीजिए, उन्होंने ये नहीं किया। और इसके बावजूद भी कि हम कॉन्स्टेंटली उसके संपर्क में थे कि आप ये साथ छोड़ दीजिए, हम आपके पास वापस आ जाएंगे, इसके बावजूद भी हम लोगों की बदनामी वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। આ પહેલા બુધવારે ઈડીએ સંજય રાઉત અને આદિત્ય ઠાકરેના નિકટવર્તીઓના ઠેકાણા ઉપર દરોડા પાડ્યા હતા, જેને લઈને પણ રાજનીતિ ગરમાયેલી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી।